हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड, समय सीमित है इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जी कर व्यर्थ मत करो। टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? भारत बायोटेक हैज टाइड अप विद व्हिच कंट्रीज कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ कोवेलेंट वैक्सीन। ऑप्शन है ब्राजील, रूस, तुर्की, स्पेन। इसका राइट आंसर है ब्राजील। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए ब्राजील की कंपनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? Which state has waived examination fees for matriculation students in the current academic session? Option है मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। भारत के राज्य उड़ीसा ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज मेट्रोलॉजिकल सेंटर टू इंक्रीज साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉरपोरेशन। ऑप्शन है सऊदी अरब, यूएई, इटली, इजराइल। इसका राइट आंसर है यूएई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूएई के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? इन विच कंट्री इज द ग्लोबल स्टॉक ऑफ इबोला वैक्सीन बींग मेड। ऑप्शन है ग्रीनलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली। इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इबोला टीकों का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। ये टीके आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए दुनिया के विभिन्न देशों को भेजने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? फ्रॉम वॉट डेट विल द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कम इन टू फोर्स? ऑप्शन है 1 फरवरी, 1 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल। इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? विच कंट्रीज ट्रॉप्स विल पार्टिसिपेट इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड 2021? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा? अकॉर्डिंग टू द टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सिटी विद द हाईएस्ट ट्रैफिक इन 2020? ऑप्शन है दिल्ली, बीजिंग, मास्को, काठमांडू। इसका राइट आंसर है मास्को। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में मास्को दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा।
इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने चीन के जिंगियान प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? Which of the following countries has banned the import of cotton and tomato produced in Xinjiang province of China? Option है पाकिस्तान, जापान, रूस, अमेरिका। इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने चीन की जिंगियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड मनीष चौहान एज अ न्यू एम्बेसडर इन विच कंट्री? ऑप्शन है चीन, पुर्तगाल, जापान, रूस। इसका राइट आंसर है पुर्तगाल। भारत सरकार ने पुर्तगाल में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? विच न्यू पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात? ऑप्शन है नई ऊर्जा नीति, नई औद्योगिक नीति, नई शिक्षा नीति, नई पर्यटन नीति। इसका राइट आंसर है नई पर्यटन नीति। गुजरात सरकार ने राज्य की नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन नेम्ड बाय द यूएस एज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म? ऑप्शन है मेक्सिको, क्यूबा, जमैका, घाना। इसका राइट आंसर है क्यूबा। अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डोएश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? RBI has recently imposed a fine of how many crore rupees on veteran Deutsche Bank AG for violating deposit rate norms? Option है 2 crore rupees, 3 crore rupees, 4 crore rupees, 5 crore rupees। इसका right answer है 2 crore rupees। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक एजी पर 2 crore rupees का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने बसंत दादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह बैंक किस राज्य में स्थित है? आरबीआई revoked the license of Vasant Dada Nagri Sahakari Bank Limited in which state and this bank located? Option hai Goa, Gujarat, Paschim Bengal, Maharashtra. Iska right answer hai Maharashtra. RBI ne Vasant Dada Nagri Sahakari Bank Limited ka license radd kar diya hai. यह बैंक महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? विच कंट्री हैज द यूएस लिफ्टेड ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट विद डिप्लोमेट्स? ऑप्शन है नेपाल, चीन, ताइवान, रूस। इसका राइट आंसर है ताइवान। अमेरिका ने ताइवान के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन ले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच कंट्री हैज टॉप्ड द हेन ले पासपोर्ट इंडेक्स 2021? ऑप्शन है जर्मनी, सिंगापुर, जापान, चीन। इसका राइट आंसर है जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।